तो का हम कचहरी तक खींचेंगे। 10 साल की उम्र कहीं औरत की होत है। गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलने वाली बच्ची है अभी वो। हमने कहा था ना, बात छोटी ना है। आज हमका जितना रुला है ना, देख लेना, जब हम नहीं रहेंगे खूब पछता होगी, फुट फुट के रोगी। आज हम जितना रोए हैं उससे कहीं ज्यादा तुम रोगी, देख लेना। हमको माफ कर दो सुरेश, हम तो के समझ नहीं सके। तो प्यार को ना समझ सके, हमारे रिश्ते को ना समझ सके, ये प्यार को ना समझ सके। क्या हुआ, ले आया वो सब सामान? हाँ हाँ ले आया। अरे वाह वाह वाह, हमारी बिटिया आ गई, बिटिया आ गई। आ जानत हो मुन्ने की माँ, हमारी बिटिया घर में ना हो ना तो कोनो को हमरा ख्याल ना रहे। जा बिटिया, बड़ी रात हो गई है, तू भी जाके आराम कर, जा जा, चल जा। क्या बात है, कोनो बात है का? हम तोरा दुख जानत है बेटा, जानत है। जानत हो उन्हें की माँ, ओ दिन और समाज में वो सब जानबूझ के उका दासी बनाने का बात कर रहे थे कि हम भड़क जाएं और वो सब अपना मन का कर सके, मगर हम हिम्मत ना हारे हैं बेटा।
छोड़ेंगे ना उन सबको। तुम देख लेना युति की माँ, तुम देख लेना। बाबा, हमका ससुराल जाना है, कल हमका विदा कर दो। तो का लगत है? तू उस सबका दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाए, ऊ तू का अपना ले ही है, हैं? ना बेटी ना, हम ऊ सबका अच्छा से जानत है, उस सब धन का लोभी है। तभी तो एक बार नहीं, दो दो बार अपना बेटा का ब्याह किया ताकि दहेज मिल सके। बाबा, इतना में सब हम बदल गए, वहाँ के लोगों का विचार भी बदल गया होगा। कहते हैं कि पति की 100 गलतियां माफ, ये हम का माँ सिखाए, तो आज क्या हो गया? खुद के सिखाए हुए संस्कार आप खुद ही भूल गए? ना हमने दुनिया देखी है और ना हम दुनियादारी जानते हैं। बस माँ ने जो सिखाया उसी को वेद, गीता और रामायण मानते हैं। हमका ना रोको बाबा, हमका ससुराल जाने दो। अरे बावरी हो गई है का? वहाँ सौतन लाई है तुहार, ओके साथ कैसे रहेगी? तू कुछ न समझी है बिटवा, कुछ न समझी है। अब हम इतना समझत है माँ, जितना में हम ये जिंदगी जीली है। अब कछु ना सीखे के है, ना ये दुनिया का दस्तूर है, ना समाज का नियम। वह दुल्हन आई है ना माँ, हम वहाँ दासी बनकर जाएंगे। अरे माँ, वह सास भी है और ननद भी, वह तो औरत है। एक औरत की दुख वो जरूर समझी है, हम समझाई माँ। ना बेटी ना, हम तो का ना। बाबा, तू हमका दान कर दिए हो, दान पर कैसन हक? हमरे हिस्से का जिंदगी हमको जीने दो बाबा, हमका ससुराल जाने ना दो। बेटा ना, ना बेटा ना, ना। चेदिया, तुम वो सामान ले जाके मोहनलाल को दे दो, जल्दी करो जाओ। जी मालिक। अब तुम जाओ। ठीक है। तुम यहाँ का लेने आई हो? उस दिन तुम्हारा बाबूजी से हमने सब कह दिया, कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा इस घर से, अभी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, जाओ। ऐसा ना कहिए ससुर जी, पंडित जी का अंकलन गलत था, हमरा कोनो खून का संबंध ना है, ये शादी गलत ना है। अपने बाबा के सम्मान के खातिर हम यहाँ आए हैं दासी बन के। बापू जी, हमका ये घर का कोने में तनिक जगह दे दो। कोना वोना का होवत है, घर तो घर, ये गांव में भी तो का जगह नहीं मिलेगी। ऐसा ना कहिए माँ जी, ये अभागी दुखियारी कहाँ जाई है? तो का भरी दुनिया में हम ही मिले हैं छाती पे मूंग दाले खातिर? ना दीदी, हम तो दोहरे घर की दासी बनकर सेवा करने आए हैं। हम पर भरोसा करें, लड़कपन और नादानी के लिए बड़ी सजा ना दो। और पंडित जी ने अपना भूल सुधार लिया है, कहा है कि ब्याह सही हुआ है, तू ससुराल जा सकत है। अभी हम समझ गए हैं पति का होते हैं, अब हम प्रेम का भी अर्थ समझ गए हैं। हमका अपने चरणों में जगह दे दो स्वामी, हम वचन देते हैं शिकायत का एक मौका भी नहीं देंगे। हम तो उसे भीख मांगत है, यकीन करो हम अपना हक कभी नहीं मांगेंगे। हम तोरी सौतन नहीं, सहेली बनकर रहेंगे, खूब सेवा करेंगे,
बस हमका अपना स्वामी का अधिकार ना चाहिए। उनकर परछाई छूकर ही हम धन्य हो जाएंगे। हमका ना निकालो बहन। बंद कर अपना नाटक, निकल यहाँ से। बबली, वो को मत निकाल। समाज का फैसला ना सुनो थे का? वैसे ही एक नौकरानी की जरूरत है घर में। बबले परी रहेगी किसी कोने में। ठीक है बाबा, लेकिन ये घर में नहीं रहेगी। चल तेरा ठिकाना मैं बताती हूँ, यही तुम्हारी जगह है। रहना खाना सोना सब यही होगा तुम्हारा। और याद रखना, घर के दरवाजे पर तू क्या, तेरी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो यहाँ से भी निकाल देंगे। देख लेना जी, जिस बिचारी को तुमने यहाँ शरण दिया है वो कुछ ना कुछ कांड करेगी। अरे हमने उस पर तरस खा के थोड़े ही रखने के लिए बोला हा? सोचो, वो अगर कचहरी चली गई और वहां जाके अपना दुखरा रुई, कचहरी तो दोषी हमें ठहराएगा, फिर पंडित तो साफ मुकर जाएगा, कहेगा कि ये सही हुआ है, तो फिर उसका हक देने का बात कहेंगे। फिर क्या करोगे, क्या करोगे? हाँ ठीक ही कह रहे हैं। इसीलिए हमने उसको कहा किसी कोने में रह जाएगी, क्या करेगी, गयन की भी छो एक जानवर की तरह पड़ी रहेगी। तो ठीक है, गौशाला में एक जानवर की तरह पड़ी रहे तो ठीक है, लेकिन हमारी बात याद रखना। जिस दिन वो इस घर में हक जताया, मैं कह देती हूँ ये बात अच्छी नहीं होगी। कितनी खूबसूरत हो गई है इन 5 सालों में, मानो यौवन ने इसे अपना सारा सौगात दे दिया है। काश कि ये मेरी पत्नी होती, कितना सुखद होता। तुम यहाँ, अगर किसी ने देख लिया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पार्वती जाग गई तो कुछ ना होगा, अपना दिलो, हमने आपको खुद को निहारते हुए देख लिया था। हम आपकी पत्नी है, हमारा तन मन सब आप ही का है। हम आपको आपके अधिकार से वंचित ना रख सकते हैं। हम आपके हैं, ये शरीर भी तो आप ही का है। आह युवती, सच में आज तुम पूनम की छांव में नहाती हुई ताजमहल की तरह चमक रही हो। ऐसा लगता है कि सच में एक प्रेम की प्रतीक है। हमका माफ कर दो युवती, हम तुम्हें समझ ना पाए। हमको शर्मिंदा ना करो स्वामी, माफी किस बात की, आप हमारे पति है, हमारे स्वामी है। आपके चरणों में थोड़ी सी जगह मिल जाए, ये हमारा सौभाग्य होगा। युवती तुम कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी बातें करती हो, कितनी रमणीक हो तुम।
कौन का है? हम हैं सुरेश। अच्छा, अब समझी। इस कुलक्षणी की खुश होने का ये राज है। सुरेश यहाँ आया रहा, आखिर इसने सुरेश को अपनी बस में कर ही लिया। ठीक है, इसका तो कुछ उपाय सोचना ही पड़ेगा। सुरेश बाबू, आइए आइए बैठिए। इतनी सुबह सुबह, कोनो जरूरी बात? हाँ पंडित जी, बड़ी दुविधा में पड़ गए हम। का हुआ? बड़ा अनर्थ हो गया पंडित जी। एक बिचारी बिना गलती के सजा भुगत रही है, ये हमसे बर्दाश्त ना होता पंडित जी। किसकी बात कर रहे हो? हेवती, मानिक सन की बेटी। वो हमारे घर आई है, बड़ी दुखियारी है। घर वालों का व्यवहार भी उसके साथ ठीक ना है पंडित जी। गौशालों के बीच जानवर की तरह उसे रखा गया है। बताओ, ये कहाँ का नियम है? क्या करे, हमारे समझ में तो कच्चू नहीं आ रहा है। क्या कर सकते हैं, ये तो विधि का विधान है बेटा। विधि का विधान ना पंडित जी, हमका सब मालूम है कि गलती आप ही से हुई है और इसका हाल भी आप ही को सुलझाना है। आप ब्राह्मण है, ये कोनो भूल नहीं, अपराध है पंडित जी। एक अबला की हाई ना लो पंडित जी, कुछ उपाय बताओ पंडित जी, कुछ उपाय बताओ। तुम सही कह रहे हो, दोस्त तो हमारा ही है, पर मैं जो हल बताऊंगा उसे तुम स्वीकार करोगे? हाँ हाँ पंडित जी, हेवटी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। लेकिन पंडित जी, हमारी पत्नी तो पार्वती है, एक साथ दो पत्नियां? हाँ, पुरुष एक साथ दो पत्नियां रख सकता है, ऐसे हमारे समाज में विधान है, ऐसा हमारा समाज इसको गलत नहीं मानता। तो ठीक है पंडित जी, मैं आज ही अपने घर वालों के सामने हेवती को अपनी पहली पत्नी का दर्जा दूंगा। आज हेवती को अपना हक मिलेगा। तो ठीक है पंडित जी, अब हम चलते हैं। ये कोनों के लिए भोजन परोस रही है इतना सुबह सुबह? रात का बासी खाना था, सोचा तुम्हारी बड़ी बहू को दे के आऊं। बड़ी बहू? हाँ, अब तो वो तुम्हारी बड़ी बहू का हक मांगेगी, सोचा कि सुबह सुबह उसकी खातिरदारी में लग जाऊं। अरे पगला गई हो क्या, अनाप सनाप बक रही हो? वो कुलक्षणी और हमारी बहू? माँ, तू बड़ी भोली हो, मगर हम भोली ना है, हम सब समझते हैं। लेकिन वो जो कर रही है ना, उसका उपाय भी मेरे पास है। तू का कर रही है, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रही। बस ये सुबह सुबह खाना खिलाने का आदत मत डाल, पूरा दिन में एक ही बार खाना देना, वो भी जो बचा कुचा हुआ। माँ, तू चिंता ना करो, उसको दोबारा खाना देने का नौबत नहीं आएगा। आज के बाद
हमेशा के लिए उसका पेट भर जाएगा। हाँ, इसकी चनक चाहिए, क्योंकि ये खूब पसंद आएगी। उसने तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि वो फिर से नूपुर पहनेगी, हाथों में चूड़ियां खनकेगी, वो फिर से दुल्हन बनेगी। क्योंकि अरे ओ क्योंकि दीदी, चल खाना खा ले। इतने सुबह सुबह भोजन, अभी तो इतना काम पड़ा है, अब रख दो, हम थोड़ी देर बाद खाएंगे। अरे ना ह्योती, तू भूखी होगी, पहले खाना खा ले, बाकी काम बाद में होगा। अरे दीदी देखो ना, हाथ कितने गंदे हैं, बाकी काम करके हम खा लेंगे, आप रख दो। देखो जिद मत कर, हम जो कह रहे हैं वो तुम करो। माँ ने तेरे लिए खाना भेजा है और कहा है कि तुझको खाना खिलाकर ही वापस जाऊं। और हाँ, सुरेश ने कहा है कि दाल जरूर पीना। तू जानती है ना सुरेश को दाल कितनी पसंद है। क्यों, माँ का कहना ना मानेगी और सुरेश की पसंद का अपमान करेगी? अरे क्या सोच रही है, सुरेश की पसंद का अपमान करेगी? हम किसी का अपमान नहीं करेंगे दीदी, हमका तो सबका मान रखना है। उसके लिए ये दाल क्या, हम तो जहर भी पी सकत है। हमरी माँ बाबा हमको एक बात सिखाई है, सौभाग्यशाली औरत के डोली उसके मायके से ही उठत है और अर्थी ससुराल से। हम तो सौभाग्यवती हो गए दीदी, हम तो सदा सुहागन हो गए। दीदी हाँ? ये किसका भोजन है और आप इतनी घबरे हुए क्यों है? मैंने कुछ नहीं किया, सबकी भलाई के लिए किया। युति, युति, अरे क्या हो गया तुम्हें? युति उठा, युति, युति, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं मैं, तुम्हारी पसंद की नूपुर, तुम्हारी तुम्हारी पसंद का ये हेवती। क्या हो गया तुम्हें आज हेवती, 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 हेवती। ये कहानी रसराज लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ द्वारा रचित है। इस कहानी में हेवती महज 12 साल की एक लड़की है जिसका बाल विवाह होता है। विवाह होने के पश्चात भी वो विवाह का मतलब नहीं समझती और जब तक उसे विवाह का अर्थ बारीकी से समझ आता है तब काफ़ी देर हो चुकी होती है। मगर हेवती पुरुष प्रधान इस समाज में स्त्री के लिए सभी तय मापदंडों को पूरा करते हुए अपने सतीत्व का परिचय देती हैं। कहानी में तत्कालीन स्त्री की दशा का मार्मिक सजीव चित्रण है। कथाएं, सुबरी कथाएं, दुम पच्चू, पच्चू।